नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तृतीय चरण के दूसरे दिन जिला बिजनौर में संगठन के बैनर तले परिषद शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने भारी संख्या में इंदिरा बाल भवन से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक शांति मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह व जिला महामंत्री पंकज बिश्नोई ने किया। आपको बता दें कि इंदिरा बाल भवन पर सभी शिक्षक इकट्ठा हुए और वहां से शांतिपूर्वक मार्च निकालते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक गए। वहां पर मौजूद प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रदेश स्तर से जारी 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। स्थानीय मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मुख्यतः विद्यालय परिसर से बिजली की हाई टेंशन लाइन को हटाना, विद्यालय का समय 7:30 से 1 बजे तक रखना, एकल विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता कराना इत्यादि को लेकर अपनी मांग रखी एवं 22 सूत्रीय ज्ञापन महानिदेशक को भेजने हेतु कहा गया। शिक्षकों में समस्याओं को लेकर भारी रोष परम रहा है। शांति मार्च में जयदीप मलिक, रितेश भटनागर, कमल नारायण, नृपेंद्र सिंह, कामेश्वरी देवी, श्वेता, छाया मलिक, अरुण कुमार, राजीव कुमार, आरेंद्र सिंह, सुनील, प्रदीप राजपूत, थम्मन सिंह, अनुभव गुप्ता आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।